ओके सो लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड विद द मास मीडिया चैप्टर। पहले हम लोग इसका थोड़ा रिवीजन करेंगे। सो व्हाट इज मास मीडिया? मैंने आप लोगों को बताया था कि एनी मींस ऑफ कम्युनिकेशन जिससे हम लोग मास के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अगर हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी मीडियम से, तो उसको बोला जाता है मास मीडिया। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, मोबाइल, रेडियो, न्यूज़पेपर। रोज दिन में एक बार न्यूज़पेपर आता है, लेकिन सबके घर पे आता है तो सबको न्यूज़ पता चल जाती है, तो ये एक मास मीडिया का टाइप होगा। तो उसमें हम लोग ने पहले तो देखा था कि मास मीडिया के लिए प्रीकर्सर्स कौन से, ठीक है, या फिर मास मीडिया का हिस्ट्री कैसा। तो उसमें हम लोग ने देखा था कि न्यूज़पेपर जो है वो मास मीडिया में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स आते हैं जिसमें बड़े बड़े लोगों के या फिर इंटेलेक्चुअल लोगों के आर्टिकल्स आते हैं। फिर हम लोग खुद हमारे ओपिनियंस भी न्यूज़पेपर को बता सकते हैं, जो कि न्यूज़पेपर में ओपिनियन करके एक पेज होता है या फिर ओपेड करके एक पेज होता है, उसके अंदर अपने को पढ़ने को मिल जाता है। ओके, फिर हम लोग ने देखा था कि न्यूज़पेपर में और क्या क्या देखने को मिलता है। तो लोकल न्यूज़, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ये दिल्ली का लोकल पेपर है, तो यहाँ पे आपको दिल्ली के लोकल न्यूज़ मिलेंगे, दिल्ली स्कूल टू रिमेन शट टिल अक्टूबर 31। या फिर इंटरनेशनल न्यूज़, फॉर एग्जाम्पल ये एक न्यूज़पेपर में वर्ल्ड करके एक पेज है, तो इसमें आपको डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, चाइनीज प्रेसिडेंट जी पिंग के बारे में आपको न्यूज़ देखने को मिल रही है। या फिर इंटरनेशनल न्यूज़ और नेशनल न्यूज़ भी आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ये फ्रंट पेज पे नेशनल न्यूज़ है कि 1 in 5 इंडियंस में गेट वैक्सीनेटेड बाई जुलाई 2021। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हम लोग को न्यूज़पेपर में देखने को मिलती। फिर हम लोग ने देखा था कि न्यूज़पेपर जब नहीं था तब लोग कैसे न्यूज़ पास करते थे। तो हम लोग ने देखा था कि एंशंट इजिप्ट में क्या होता था, रॉक्स के ऊपर मैसेज लिखे जाते थे और उनके ऊपर किंग या फिर क्वीन का कोई भी मार्क दिया जाता था, जिसको रॉयल डिक्री बोल सकते हैं। तो उसके वजह से लोगों को पता चल जाता था कि किंग ने ये रॉक के ऊपर कोई मैसेज लिखा। सिमिलर फैशन में एम्परर अशोका जो है वो इंडिया में अलग अलग पिलर्स के ऊपर अपने मैसेजेस लिखता था और वो मैसेजेस, वो न्यूज़ लोगों तक पहुँच जाती थी। फिर मैंने आपको थोड़ा बताया था रोमन एम्पायर के बारे में कि रोम करके इटली में एक जगह है, वहाँ आसपास एक एम्पायर था एंशियंट टाइम में। तो वहाँ पे बहुत पहले क्या होता था, पेपर के ऊपर न्यूज़ लिख के उसको अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, ठीक है। सिमिलरली वहाँ पे देखो ये रोम एम्पायर मैंने यहाँ पे रेड कलर में मार्क किया है, दिस इज रोमन एम्पायर इन यूरोप में, ठीक है। सिमिलरली वहाँ पे जो एक किंग था या फिर एक उनका एक बड़ा जनरल था एक, तो उसने एक अपना न्यूज़पेपर भी शुरू किया था जिसका नाम था एक्टा ड्यूरना। वो न्यूज़पेपर का मीनिंग क्या है, एक्ट्स ऑफ एवरीडे, मतलब रोज की बातें आपको ये न्यूज़पेपर में पता चल जाती थी। सो दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट या फिर एंशियंट न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड, एक्टा ड्यूरना, ठीक है, जो कि रोमन एम्पायर के एक किंग थे जूलियस सीजर, उन्होंने स्टार्ट किया था। ओके, फिर हम लोग ने देखा था कि बाद के पीरियड में जब किंग या फिर क्वीन होते थे तो अपने रॉयल डिक्टेट्स अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मतलब ऐसे पेपर्स जिनके ऊपर उन्होंने डिक्टेट करके कुछ ना कुछ तो मैसेज लिखा होता था। या फिर और बाद के पीरियड में और थोड़े मॉडर्न पीरियड में अभी के टाइम में या फिर वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या होता था, हैंग आउट्स मतलब पेपर के ऊपर ब्राउचर होता है या फिर कुछ पैम्पलेट्स होते हैं, ऐसे पैम्पलेट्स के ऊपर आपको अलग अलग न्यूज़ देखने को मिलती है और वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं अलग अलग जगह। तो अभी एंशियंट टाइम से मेडिवल या फिर मॉडर्न टाइम तक ऐसे अलग अलग चीज़ें आने लगी। फिर फाइनली क्या इंट्रोड्यूस हो गया, न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। फिर न्यूज़पेपर में हम लोग ने देखा था कि इंडिया में जब ब्रिटिश लोग आए तो इंडिया में न्यूज़पेपर आना स्टार्ट हुआ था। तो पहला जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो इंडिया में पब्लिश हुआ था वो हुआ था बंगाल गैजेट, जो कि 29 जनवरी 1780 में पब्लिश हुआ था। और उसको और एक नाम था कि कैलकटा जनरल एडवर्टाइजर। तो ये क्यों था नाम, क्योंकि वो कैलकटा बंगाल में पब्लिश किया गया था। तो किसने पब्लिश किया था, जेम्स ऑगस्टस हीके, ये एक आयरिश जेंटलमैन थे, आयरिश मतलब आयरलैंड करके एक कंट्री है यूरोप में, वहाँ के थे ये। तो उन्होंने एक बंगाल गैजेट न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जो कि इंडिया का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था। उसका पिक्चर मैंने आपको बताया था। ओके, सो दिस इज पिक्चर फ्रॉम द
हिकीज बंगाल गैजेट, तो नाम याद रखना कौन से ईयर में कब आया है, 29 जनवरी 1780, वो याद रखना, और किसने प्रिंट किया है, कौन इसका एडिटर है, किसने स्टार्ट किया, वो याद रखना, जेम्स ऑगस्टस हिके। फिर नेक्स्ट न्यूज़पेपर था दर्पण, जो कि 1832 में मुंबई में प्रिंट किया गया था। नेक्स्ट मतलब ये पहला रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर था, पहला मराठी न्यूज़पेपर था दर्पण, जो कि मुंबई में एस्टेब्लिश किया था, और मैंने आपको बोला था कि ये बाल शास्त्री जांभेकर इन्होंने स्टार्ट किया था, और इसमें अलग अलग न्यूज़ आते थे जो आपके बुक में दिए गए, फॉर एग्जाम्पल डेंजर ऑफ रशियन अटैक ऑन नेशन, री मैरिज ऑफ हिंदू विडोज। तो 1832 तभी के टाइम के जो भी सोशल इश्यूज थे, री मैरिज या फिर रशियन अटैक या फिर क्लीनलीनेस, इसके ऊपर जो भी न्यूज़ होते थे वो न्यूज़ आपको ये न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगे। फिर हम लोग ने देखा था कि और एक ऐसा न्यूज़पेपर था फेमस जिसका नाम था प्रभाकर, ये किन्होंने स्टार्ट किया था, भाऊ महाजन ने स्टार्ट किया था। अभी क्यों फेमस था ये, क्योंकि गोपाल हरि देशमुख, जिनको महाराष्ट्र में लोकहितवादी भी बोला जाता है, उन्होंने क्या किया था, 100 लेटर्स लिखे थे, ठीक है, 100 लेटर्स लिखे थे, एक्चुअली 108 लेटर्स लिखे थे, तो ये लेटर्स को है ना शतपत्रे करके बहुत लोग पहचानते, तो शतपत्रे करके इन्होंने लेटर्स लिखे थे, जो लेटर्स ये न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश किए जाते थे, तो इसके लिए ये न्यूज़पेपर फेमस है प्रभाकर, और ये लेटर्स से लोकहितवादी जो है वो लोगों से बात करके उनके अंदर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते थे इंडिपेंडेंस के लिए। ओके, फिर हम लोग ने नेक्स्ट देखा था ज्ञानोदय। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि ये पहला ऐसा इंडिया में पेपर है जिसमें कोई तो इलुस्ट्रेशन प्रिंट हुआ था, इलुस्ट्रेशन मतलब ज्ञानोदय में पहली बार एशिया का मैप 1842 में प्रिंट हुआ था और यूरोप का मैप 1851 में प्रिंट हुआ था। इससे पहले जो भी न्यूज़पेपर आते थे उसमें सिर्फ आपको न्यूज़ प्रिंट दिखती थी, कहीं पे भी आपको मैप्स या फिर इमेज पिक्चर्स ये नहीं दिखते थे, तो ज्ञानोदय पहला ऐसा पेपर था जिसमें आपको इलुस्ट्रेशन प्रिंटेड दिखेगा, ठीक है, तो इसके लिए ज्ञानोदय फेमस था। फिर हम लोग ने देखा कि ज्ञानोदय में बहुत अलग अलग फेमस न्यूज़ आती थी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है जिसको मैंने आपको बोला था टेलीग्राफ बोला जाता है, तो टेलीग्राफ के बारे में न्यूज़ आई थी। फिर जब इंडिया में रेलवे स्टार्ट हुई थी तो एक न्यूज़ आई थी जिसकी हेडिंग थी चाक्या मसोबा, चाक्या मतलब व्हील्स, तो इंडियन रेलवे को उन्होंने मसोबा विथ व्हील्स ऐसे बोल के इंट्रोड्यूस किया था। फिर जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसके ऊपर विनायक दामोदर सावरकर ने बुक भी लिखी है, ये हम लोग ने सेकेंड चैप्टर में देखा था, उसके बारे में वो वॉर जब हुआ था तभी की न्यूज़ भी इसमें थी, इसके लिए फेमस था। फिर ऐसे अलग अलग बहुत सारे पेपर तभी के टाइम पे फेमस थे, फॉर एग्जांपल इंदु प्रकाश, उसके बाद में दीनबंधु, जो कि बहुजन समाज के लिए मतलब जो भी सोसाइटी में लोअर कास्ट होते थे उनके लिए, कृष्णराव भालेकर जो कि महात्मा फुले के एक क्लोज फ्रेंड थे उन्होंने स्टार्ट किया था, तो ऐसे न्यूज़पेपर हम लोग ने देखे। उसके बाद में हम लोग ने लास्ट देखा केसरी एंड मराठा। केसरी जो है वो मराठी न्यूज़पेपर है, मराठा जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, और ये किसने स्टार्ट किए थे, गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक। तो गोपाल गणेश आगरकर का ये पिक्चर है और ये बाल गंगाधर तिलक का पिक्चर है, तो ये दोनों ने ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, और इससे अलग अलग सोशल इश्यूज या फिर इंडिपेंडेंस के लिए जो भी इश्यूज है, पॉलिटिकल इश्यूज, वो ये पेपर में आपको प्रिंट हुए देखने को मिलते थे, और इससे लोगों तक अलग अलग न्यूज़ पहुँचती थी और बहुत सारे लोग इंस्पायर होते थे कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हम लोग भी हिस्सा ले। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसका पिक्चर नहीं दिखाया था, ये एक पिक्चर आप देख सकते हो केसरी, जो कि एक मराठी न्यूज़पेपर है, ठीक है ना, 1881 का एक ये पेपर का इमेज है, एंड दिस इज मराठा जो कि एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ये भी 1881 का एक उसका इमेज है, तो नाम से कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं, आपके बुक में दिया नहीं है कि कौन सा इंग्लिश है एंड कौन सा मराठी है, लेकिन अगर आप इंक्लूड करोगे आपके आंसर में तो ये एक आउट ऑफ द सिलेबस एक अच्छा पॉइंट बनेगा कि केसरी जो है वो मराठी न्यूज़पेपर था और मराठा जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर था। ओके, तो ये सब चीज़ें हम लोग ने लास्ट लेक्चर में की थी।